अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। इफ्तार में ट्राई कर सकते हैं, इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए दे सकते हैं। ये बहुत आइडियल होता है टिफ़िन के लिए और इफ्तार के लिए, तो चाहे हो बच्चे या बड़े सब इसे इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग जार ले लिया है मैंने और उसमें ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम्स चिकन, ये बोनलेस चिकन है। और उसके बाद यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है और 1/2 कप कैरेट लिया है मैंने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ज़रूर डालना। 1/2 इसमें अनियन लिया है मैंने, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप कैबेज का लिया है, वो ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालना वरना आप स्किप कर सकते हो। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स के इसमें ऐड किए हैं, तो आप इसके जगह पे यहाँ पे रेड चिली पाउडर ले सकते हो। 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लिया है, तो आपके पास अगर ना हो तो आप यहाँ पे टमेटो केचप का भी यूज़ कर सकते हो या टमेटो सॉस भी डाल सकते हो। 1/2 कप यहाँ पे कोरिएंडर लिया है मैंने, हरा धनिया। 1/2 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसके जगह पे आलू भी डाल सकते हो। और यहाँ पे 1 अंडा डाल दिया है मैंने, अंडा भी बाइंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंडा स्किप मत करना। और इसे हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे और उसके बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं और बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने चीज़ क्यूब ले लिया है, आप इसके जगह पे मोज़रेला भी ले सकते हो। और एक चीज़ के क्यूब को मैंने फिर से 4 हिस्सों में काट लिया है क्योंकि एक क्यूब जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक को मैंने 1/4 कर लिया है। और उसके बाद ही जो आइसक्रीम खाने वाली चम्मच होती है उसी में मैंने ये एक एक इंसर्ट कर दिया है, तो आप बड़ी वाली स्टिक भी ले सकते हो, पर इससे ये ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। उसके बाद हम इसकी स्लरी बना लेते हैं, तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पे 1/2 कप पानी डालकर, तो ये हमारी स्लरी बनके रेडी है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेड क्रम्स बनाए हैं मैंने, तो फ्रेश ब्रेड को मैंने मिक्सी में चला लिया था, उससे ऐसे ब्रेड क्रम्स बन गए हैं, आप चाहें तो आप ड्राई वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारे लॉलीपॉप्स बना लेते हैं। तो हाथों से 1 रोटी जितना पेड़ा लिया है मैंने और उसको हाथों पे ऐसे फ्लैट कर दिया है, और जो हमने स्टिक में चीज़ लगा के रखा था वो हम इसके बीच में डालेंगे और इसे हम चारों तरफ से अच्छे से सील कर देंगे। तो चीज़ को आप अच्छे से इसमें कोट कर लीजिएगा, चीज़ कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए वरना चीज़ जो है वो ऑयल में जाके निकल सकते हैं, ऑयल को ख़राब कर देंगे, आपके लॉलीपॉप्स भी उससे बिगड़ सकते हैं, तो इसीलिए आप अच्छे से चीज़ को कवर कर देना। और इसी तरह से हम सारे लॉलीपॉप्स बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारे लॉलीपॉप्स जो है वो मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे कोट कर लेंगे। तो सबसे पहले लॉलीपॉप लेके हम इसे स्लरी में डिप कर लेंगे, तो एक पतली सी लेयर इसकी लगानी है। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स आपको हाथों से अच्छे से दबा के इसमें लगा लेना है, तो इसे आपको डबल कोटिंग करनी है। तो इसे हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो फिर से मैंने यहाँ पे स्लरी लगा दी है और इसके ऊपर से फिर से ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं, तो इसी तरह से 2 बार आपको हर प्रोसेस को रिपीट करना है। तो ये देखिए इसी तरह से सारे लॉलीपॉप्स बना के रेडी कर लिया है मैंने, तो आप इसे फ्रीज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लिया है मैंने, और उसके बाद हम यहाँ पे लॉलीपॉप डालते जाएंगे। तो आप फ्राई करने से पहले भी इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख लेना, उससे क्या होता है आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ऑयल में नहीं निकलते और आपका ऑयल जो है वो इससे गंदा नहीं होता। तो ये देखिए ये एक साइड से सिक चुका है, तो मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ। हमने इसमें जो चिकन डाला है वो हमने कच्चा डाला था, तो इसीलिए आपको इसको मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेना है फ्लिप करके। हमने इसे डीप फ्राई नहीं किया है, इसीलिए ये हेल्दी भी बहुत होती है, इसमें वेजीज आप और भी चाहें तो और डाल सकते हैं, और ये इफ्तार के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें चिकन की जो रेशो है वो भी अच्छी है, वेजीज भी अच्छे हैं, तो इससे आपको एक अच्छा प्रोटीन न्यूट्रिशन मिल जाता है। ये टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है और ये हेल्दी तो है ही। तो मैं आपको इसका क्रंच दिखाती हूँ कि ये कितना क्रंची बना है। तो ये देखिए आप सुन रहे हैं ना, ये कितना क्रंची बना है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।